8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश की सबसे बड़ी आवाज पीएम मोदी, जिन्होंने एक साल पहले 8 नवंबर 2016 की रात एक ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया था। दिवाली गई ही थी कि मोदी सरकार ने अचानक रात में 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा कर दी थी। देखते ही देखते लोग सोना चांदी खरीदने के लिए उमड़ पड़े और इसके दाम आसमान पर पहुँच गए। इसके बाद बैंकों में पुराने नोट बदलवाने के लिए जो आपाधापी हुई, उस मंजर को ना तो आम जनता भूल पाई है और ना ही बैंक कर्मी। 2 महीने तक तो बैंकों के बाहर लगी कतारें कम ही नहीं हुई। गरीबों को अमीरी दिखाने वाली मोदी सरकार ने उन दिनों अमीरों को गरीबी भी दिखाई, लेकिन अब नोटबंदी को पूरे एक साल होने वाले हैं। ऐसे में नोटबंदी कितनी सफल हुई और इससे आज जनता क्या नुकसान झेल रही है, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। नोटबंदी के हुए फायदे। होम लोन हुआ सस्ता। नोटबंदी ने बेशक लोगों को बैंकों के बाहर घंटों खड़े रहने पर मजबूर किया होगा, लेकिन इसने होम लोन सस्ते करने में मदद की है। नोटबंदी की वजह से बैंकों में काफी बड़ी मात्रा में डिपॉजिट आया। इसका फायदा बैंक के आम आदमी को सस्ते कर्ज के तौर पर दिया गया और ये इसी से साबित होता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हाउसिंग दरों में 3% तक कमी आई है। महंगाई पर लगाम कसी। नोटबंदी ने महंगाई पर भी लगाम कसने में मदद की है। अवैध पैसे को खपाने के लिए फिजूल खर्ची बड़े स्तर पर की जाती है, इसकी वजह से सामान की कीमतें बढ़ती हैं। नोटबंदी के चलते कुछ हद तक ये पैसा सिस्टम में वापस आया है। इसी के साथ ही सरकार की तरफ से लगातार संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर भी नजर रखी गई। इसकी वजह से इन ट्रांजेक्शन में काफी कमी आई। इसका फायदा महंगाई दर घटाने के रूप में मिला और ये इसका ही नतीजा है कि नवंबर 2016 में महंगाई दर 3.63% थी, जबकि अब वो जुलाई 2017 में घटकर 2.36% पर आ गई है। कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ी। नोटबंदी के चलते कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ने में काफी मदद मिली है। नोटबंदी के दौरान कैश की किल्लत होने से न सिर्फ लोगों ने ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन किए, बल्कि सरकार की तरफ से भी इसे प्रोत्साहन के लिए काफी कदम उठाए गए। नोटबंदी से हुए नुकसान। लेनदेन में दिक्कत। नोटबंदी को भले ही एक साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा बहुत असर अभी भी है। आज भी बैंकों के कई एटीएम में सिर्फ 2000 और 500 रुपए के ही नोट निकल रहे हैं। इससे लोगों को आज भी छोटे मोटे लेन देन करने में व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। इसकी एक वजह एटीएम में 500 से छोटे नोट ना निकलना भी है। बचत खाते पर ब्याज दर घटी। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई सरकारी और निजी बैंकों ने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर घटा दी है। इसमें थोड़ी बहुत भागीदारी नोटबंदी ने निभाई है। नोटबंदी के चलते बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ गई है। ऐसे में बैंकों ने ब्याज दर घटाना ही अपने लिए फायदेमंद समझा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये स्थिति कुछ ही समय के लिए ही रहेगी। छोटे उद्योगों को उठाना पड़ा नुकसान। नोटबंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा जो ज्यादातर कैश में लेन देन करते थे। इसमें अधिकतर छोटे उद्योग शामिल होते हैं। नोटबंदी के दौरान उन उद्योगों को कैश की किल्लत हुई, इसकी वजह से उनका कारोबार ठप हो गया। इससे लोगों की नौकरियां भी गई। NMF न्यूज की रिपोर्ट।